नमस्ते, वेलकम टू ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड गबरू जेंटलमैन। स्वागत है आप सभी का धाकड़ जैस में। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है उन सभी के लिए जो केवीएस की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ में वो चाहते हैं कि उनका रिवीजन हो जाए, क्योंकि आज के ये जो 15 क्वेश्चन हैं ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये लगभग हर सब्जेक्ट में से लिया गया है और ये स्पेशली टीजीटी के लिए है। तो हर क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिएगा और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा जल्द से जल्द। अपने आप से रिवीजन करना है आपको और आप खुद जान पाएंगे कि आपने कितना अच्छा पढ़ा है। साथ ही साथ में जो मेरे नए लोग हैं जो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर उन्हें वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न है इंग्लिश से, द प्लूरल ऑफ टूथ इज, द प्लूरल ऑफ टूथ इज, चार ऑप्शन आपके पास, बताइए कौन सा सही जवाब है, टूथ्स, टूथ्स, टूथ या टीथ। तो ये बहुत आसान है, आप शायद बहुत अच्छे से जवाब दे देंगे। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, टीथ। अब चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ और दूसरा प्रश्न है कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। और सेंटेंस है ये आपका, आपको इतना अच्छा दिख नहीं रहा होगा क्योंकि टाइप करते समय मैं इसको भूल गया लिखना, पोटैटो चिप्स आर और ये डैश है, तो बताइए कौन सा आएगा, क्रिस्पी आएगा, क्रंची आएगा, सोल्टी आएगा, और ऐसे तो होगा नहीं कि सारे आएंगे। तो ये तीन ऑप्शन आपके पास है, बताइए कौन सा जवाब है इसका। तो शायद आप समझ गए होंगे कि जो फोर्थ ऑप्शन है वही इसका सही जवाब है, क्योंकि क्रिस्पी भी हो सकता है, क्रंची भी हो सकता है और सोल्टी भी हो सकता है। तो आप समझ गए कि तीनों यहां पर आप फिल कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि हिंदी से मैंने लिया है, कि घर शब्द किस वर्ग का है, घर शब्द किस वर्ग का है, यौगिक, रूढ़ या फिर ये दोनों या फिर योग रूढ़। तो इसका सही जवाब है रूढ़। घर शब्द किस वर्ग का है, रूढ़ का, क्योंकि घर शब्द घ और र से बना होता है और रूढ़ी शब्दों के टुकड़े किया जाए तो उन टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, भागो मत रुक जाओ। हाँ, जिन विशेषणों से संज्ञा की ओर संकेत होता है उसे क्या कहते हैं, जिन विशेषणों से संज्ञा की ओर संकेत होता है उसे क्या कहते हैं, उसे गुणवाचक कहते हैं, संख्यावाचक कहते हैं या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं या फिर गुणवाचक और संख्यावाचक कहते हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसका सही जवाब है संकेतवाचक विशेषण। जिन विशेषणों से संज्ञा की ओर संकेत होता है उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि यह पुस्तक गीता की है या वो नाच रहे हैं, तो यह, वह, वे, ये, इसे, ये सब विशेषण होते हैं। तो इसमें ये कौन सा विशेषण है, संकेतवाचक विशेषण। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर जो कि जीके से है, सिंगापुर के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। चार नाम आपके पास हैं, एके के एल जिंदल, राहुल भटनागर, युवराज पिल्ले या लक्ष्मी मित्तल, तो बताइए कौन है जिनको सिंगापुर के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया और वो भारतीय मूल के थे। तो इसका सही जवाब है युवराज पिल्ले। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 6, ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान मूल की पहली महिला सीनेटर कौन बनी है। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान मूल की पहली महिला सीनेटर कौन बनी है, नूरजहां,
मेहरीन फारूकी, नाडिया अली या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मेहरीन फारूकी वो पाकिस्तान मूल की पहली महिला है जो ऑस्ट्रेलिया में सीनेटर बनी है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ की राजधानी का नया नाम क्या होगा? चार ऑप्शन आपके पास हैं, अब्दुल कलाम नगर, नया रायपुर, अटल बिहारी नगर या फिर अटल नगर। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो इसको जरूर आप समझ लीजिए। इसका जो सही जवाब है वो है अटल नगर। अटल नगर छत्तीसगढ़ की राजधानी का नया नाम हो गया है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जो कि आपको सोल्व करना होगा कि निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला, जो ये अक्षर श्रृंखला है, इसको पूरा करेगा। तो ये आपका रीजनिंग से क्वेश्चन मैंने आपके लिए पुट अप किया है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसका जवाब निकालें, जल्द से जल्द इसका जवाब निकालें और फिर मैं जो ऑप्शन बताऊंगा उसके साथ आप मैच कीजिएगा। तो मैं इसका सही जवाब दे देता हूं, आप वीडियो पॉज करके जल्दी से जल्दी इसका सवाल का जवाब जरूर निकालिएगा। इसका जो ऑप्शन है, जो राइट ऑप्शन है, वो है बी डी ए सी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 9। बहुत जल्दी भाग जाता है ये। प्रश्न चिन्ह के स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में से, प्रश्न चिन्ह के स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का पता लगाएं, मतलब आपको मिलता जुलता शब्द बताना है। जैसे समर एसी है तो विंटर क्या होगा? वर्क होगा, सन होगा, फायर होगा या वार्म्थ होगा? तो ये आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है कि समर गर्मी तो वहां एसी ठंड हो रही है, तो विंटर ठंड तो क्या होगा? काम होगा, सूर्य जी होंगे या आग हो जाएगी या फिर बात गर्मी होगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप एक बार में समझ जाएंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी वार्म्थ होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एक विशिष्ट भाषा कोड भाषा में रेंटेड को 718314 लिखा जाता है तथा स्कार्फ को 92576 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में CARTED को किस प्रकार लिखा जाएगा? वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और फिर जो मैं आंसर दूंगा उससे मिलाने का प्रयास कीजिए कि आपने सही किया है या नहीं किया। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 257314। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 है। इफ इन अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है दोस्तों। इफ इन अ कंप्यूटर 16 बिट्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई एड्रेस इन अ रैम, द नंबर ऑफ द एड्रेसेस विल बी। यदि किसी कंप्यूटर में 16 बिट का प्रयोग रैम को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है तो एड्रेस की संख्या क्या होगी? 216 होगी या फिर 65536 या 64000 या एनी ऑफ द अबव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आपको पता होगी तो आप तुरंत निकाल देंगे, अगर आपको नहीं पता होगी तो इसमें आप तुक्का ही लगा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो तुक्का मत लगाइएगा, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो अभी तक आप कर चुके होंगे, क्योंकि इसमें एक मैथमेटिक फार्मूला है जिसे मैं कहूंगा वो आपको लगाना पड़ेगा। तो शायद आपने कर लिया होगा और अगर नहीं किया है तो पहले तो मैं इसका आंसर बता देता हूं कि इसका जो ऑप्शन बी है वो एकदम करेक्ट है, 65536। और ये कैसे निकालते हैं दोस्तों? ये दोस्तों ऐसे निकालते हैं कि जो 16 बिट है ना, तो दो लैंग्वेज, दो उस पर बाइनरी लैंग्वेज है, 2 पे काम करती है, तो 2 की पावर 16 कर देंगे। 2 की पावर 16 कर दीजिए तो आपका जो भी इसका मल्टीप्लीकेशन होके आएगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन आए तो जितनी भी बिट लिखी हो उसको 2 की पावर कर दीजिए और आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। दिस पावर प्रोटेक्शन डिवाइस इंक्लूड्स अ बैटरी दैट प्रोवाइड अ फ्यू मिनट्स ऑफ पावर, तो कौन सा ऑप्शन होगा? इसका मैं हिंदी भी आपको बता देता हूं कि एक पावर रक्षक उपकरण में एक बैटरी भी शामिल होती है। एक पावर प्रोटेक्शन डिवाइस में एक बैटरी भी शामिल होती है जो कुछ मिनट की
पावर सुरक्षा प्रदान करती है, कुछ मिनट की पावर सुरक्षा प्रदान करती है। तो वो कौन सी है? वो सर्ज सप्रेसर है, लाइन कंडीशनर है, जनरेटर है या फिर यूपीएस है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, यूपीएस। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। उद्देश्य बच्चों का अन्वेषण तथा प्रायोगिक गतिविधि में संलग्न करने के लिए डैश का अधिकरण करना आवश्यक है। तो किसका आवश्यक है? ज्ञान का, संज्ञानात्मक और मनोविज्ञान कौशल का, समझ का, या फिर इन सभी को हम इस डैश में भर सकते हैं? या आपका टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन है तो इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा। उद्देश्य बच्चों को अन्वेषण तथा प्रायोगिक गतिविधि में संलग्न करने के लिए किसका अधिकरण करना आवश्यक है? ज्ञान का, संज्ञानात्मक और मनोविज्ञान कौशल का, समझ का, या फिर सभी का? तो इसका जो राइट आंसर है वो है संज्ञानात्मक और मनोविज्ञान कौशल का, संज्ञानात्मक और मनोविज्ञान कौशल का। क्योंकि बच्चे को अन्वेषण तथा प्रायोगिक गतिविधि में शामिल करने हेतु अवलोकन, वर्गीकरण और अनुमान आदि के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और मनोविज्ञान कौशलों का अधिग्रहण करना आवश्यक होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एकीकृत दृष्टिकोण का मूल क्या है, किसमें है मूल? प्रारंभिक अवस्था में, किशोर अवस्था में, पश्चात बाल्यावस्था में, या फिर प्रारंभिक बचपन में? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आएगा तो एकदम आ जाएगा, नहीं आएगा तो बहुत सोचना पड़ेगा। एकीकृत मतलब दृष्टिकोण जो एकाग्र रहता है वो कब ज्यादा रहता है? प्रारंभिक अवस्था में रहता है, किशोरावस्था में रहता है, या फिर बाल्यावस्था के पश्चात रहता है, या फिर प्रारंभिक बचपन में रहता है? छोटा बच्चा ज्यादा एकाग्र रहता है, या फिर हम जैसे लोग, या फिर हमसे भी प्रौढ़ लोग ज्यादा एकाग्र रहते हैं? तो शायद अभी मैंने जो आपको हिंट दिया इससे आपको पता चल गया होगा कि प्रारंभिक बचपन जो होता है बच्चों का, उसमें हमारी एकाग्रता बहुत ज्यादा होती है। तो एकीकृत दृष्टिकोण का मूल प्रारंभिक बचपन में है। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 15 की तरफ, थोड़ा बड़ा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण मॉडल के प्रकार का है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण मॉडल के प्रकार है? समस्या निवारण, पूछताछ मॉडल, प्रेरक मॉडल, अधिगम चक्र? तो आप बताइए कि ए और बी है, या तीन है, या फिर चारों है। शिक्षण मॉडल का प्रकार आपको बताना है कि इनमें से कोई एक है, या कोई दो है, या कोई तीन है, या फिर सभी है। तो मैं आपको बता दूं कि ये चारों ही शिक्षण मॉडल के प्रकार हैं, समस्या निवारण भी, पूछताछ मॉडल भी, प्रेरक मॉडल भी, और अधिगम चक्र भी। क्योंकि समस्या निवारण, अधिगम चक्र, प्रेरक मॉडल और पूछताछ मॉडल अधिगम मॉडल के प्रकार हैं। ये विभिन्न शिक्षण गतिविधियों के संदर्भ में एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं अगर आपको समझना है तो। समस्या निवारण मॉडल, इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य छात्रों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं विकसित करना होता है। फिर अगली हम बात करते हैं प्रेरक मॉडल की, मानसिक क्षमताओं और अवधारणा निर्माण के विकास पर केंद्रित होता है। अब बात करते हैं पूछताछ मॉडल की, यह मॉडल उनकी जिज्ञासा से उत्पन्न प्रश्नों का पूछने और उत्तरों को खोजने हेतु आवश्यक बौद्धिक अनुशासन और कौशल विकसित करने पर केंद्रित होता है। आई होप आपको ये 15 क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे और आपके सारे सब्जेक्ट लगभग इसमें क्लियर हुए होंगे, और आपको ये भी पता चला होगा कि क्वेश्चन कैसे थे और आपकी पढ़ाई और आपका जो रिवीजन है वो किस प्रकार का हो रहा है। उसी प्रकार से आप अपने रिवीजन को और अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और दोबारा अनुग्रह करूंगा कि जिन लोगों ने पहली बार चैनल देखा या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इससे भी थोड़ी और बड़ी वीडियो आपके लिए लेके आने का प्रयास करूंगा जिसमें 30-35 क्वेश्चन हो, ताकि और भी अच्छा आपका रिवीजन होता रहे। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ में जो सब्सक्राइबर
जो बेल बटन है, जो बेल आइकन है, उसको जरूर प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटियों को आगे बढ़ाओ।